टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है। बाइडेन प्रशासन ने जनरल एटोनॉमिक्स में 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय को अंतिम स्वीकृति पत्र LOI भेजा है। मुजफ्फरपुर में गुरुवार की रात बदमाशों ने एक युवक को सीने में गोली मार दी। गंभीर हालात में निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना अहियारपुर थाना क्षेत्र की मेडिकल ओवरब्रिज के नजदीक की है। सुबह लगभग 6:56 पर मणिपुर के उखरुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.9 तीव्रता की गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की तीव्रता को लेकर जानकारी दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। रमेश ने कहा है कि चूंकि चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं। कल सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ की कवायद के तहत यात्रा करेंगे। आज शाम को हैदराबाद के मुल्काजगिरी में PM रोड शो करेंगे। इस साल की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई दक्षिण भारत की यात्रा और रैली की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फाल्गुन महीने में खासकर होली की शुरुआत हो गई है। गोकुल में रमण रीति आश्रम में रंगों और फूलों से हर्बल होली खेली गई। रूस में आज मतदान का दिन है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक वोटिंग शुरू हो चुके हैं। इस चुनाव के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल 6 साल के लिए और बढ़ जाएगा। झारखंड में चाईबासा पुलिस ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 4 IED, 2 ग्रेनेड और 2 डिटोनेटर बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि यह बिल्कुल सही है कि जिन राज्यों में राहुल गांधी गए हैं, वहां बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा और कई कार्यक्रमों के दौरान लोगों ने जो व्यवहार दिखाया। CAA लागू होने पर राष्ट्रीय ओलेमा संसद के महासचिव कल्बे रशीद रिजवी का कहना है कि चाहे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ईरान का मामला हो, कहीं पर भी फर्जी पहचान वाले घुसपोटी हो, उस जगह पर शांति और सुरक्षा को हमेशा डर लगा रहता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एक अदालत ने गुरुवार को संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के CBI हिरासत 8 दिन के लिए बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का ब्यौरा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को यानी कि 14 मार्च 2024 को पूरी लिस्ट अपने पोर्टल पर अपलोड कर दी। मुंबई में BMC ने 24 अप्रैल 2024 तक शहर भर में 5% पानी की कटौती की घोषणा की और नागरिकों से पानी संभल कर उपयोग करने का आग्रह किया है। उत्तर महाराष्ट्र के धुले शहर में गुरुवार शाम को 100 से अधिक प्रशिक्षु पुलिसकर्मी संभवतः विषाक्त भोजन करने से बीमार हो गए। हालांकि सभी की हालत अभी खतरे से बाहर है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर आज MVA की एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक में इस बार प्रकाश आंबेडकर की पार्टी VBA को आमंत्रित नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती हुई है। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 2 रुपए की कमी आई है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही शिवसेना विभाजित हो गई है और उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया हो, लेकिन उनकी पार्टी में अच्छे उम्मीदवार हैं जिनके जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। पंकजा मुंडे ने कहा कि उनकी बहन प्रीतम बीड़ में 10 साल से सांसद के तौर पर बेहतरीन काम कर रही हैं और जनता को पसंद है। अब BJP ने उनका टिकट काटकर पंकजा को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में BJP ने लोकसभा के उम्मीदवार की पहली लिस्ट 13 मार्च को जारी कर दी। दूसरी लिस्ट कब आएगी, इस सवाल के जवाब में डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो भी जल्द आ जाएगी, अभी उनकी चर्चा चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ NDA के सहयोगी दलों के बीच संभावित सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी शिवसेना के 4 से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।